हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सुचिता भारती ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चलते हैं फील्ड की तरफ घूमने के लिए, तो चलिए देखिए आगे के वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत बारिश हुई है यहाँ पर 3 बजे के आसपास, तो मौसम भी बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं फील्ड का नज़ारा कैसा है। और यही इसी घर में मैं रहती हूँ, घर दिखा दीजिए। मैं यहीं पर रेंट लेके रहती हूँ और सॉल्ट लेक में, क्योंकि जगह का नाम तो नहीं बता सकती हूँ, सोशल मीडिया है, लेकिन यही मेरी घर है, क्योंकि रेंट दे रहे हैं तो अपना ही है ना, रहते हैं यहीं पे। अभी मैं फील्ड की तरफ जा रही हूँ, तो ये मेरी घर के सामने की रोड है, देख सकते हैं। रोड वैसे अच्छा था, लेकिन बारिश के मौसम में ख़राब हो गया है। अभी कोलकाता में हर साल दुर्गा पूजा के आसपास रोड ठीक हो जाती है, तो अभी दुर्गा पूजा में थोड़ा सा टाइम है, ठीक हो जाएगा ये। फ्रेंड्स, फाइनली फील्ड आ गया है, दीवार के साइड फील्ड ही है। हम लोग फील्ड पे आ गए हैं। फील्ड पे एंट्री करते ही पहले चिल्ड्रन पार्क है, और अभी देख सकते हैं मेरे पीछे झूला है, इसके बाद बच्चों सब के खेलने के लिए है। लेकिन झूला तो हम लोग भी झूल लेते हैं कभी कभी, वो कभी कभी झूल ही पाते हैं, क्योंकि झूला पे हर वक्त कोई ना कोई झूलता ही रहता है। ये सब कभी कभी मतलब मौका मिल जाता है। और अभी रियल में मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा था, मतलब ना के बराबर हवा चल रहा था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि ना 3 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर। आप देख सकते हैं मतलब बालू वाला मिट्टी है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी फील्ड पे है, जबकि मैं 5 बजे के आसपास आई थी फील्ड पे। और फील्ड पे आने के बाद हम लोग पहले 2 राउंड लगाते हैं, मतलब चारों साइड घूम लेते हैं, दो राउंड या फिर 3 राउंड घूमते हैं, क्योंकि लगभग ना एक बार एक राउंड घूमने से 400 मीटर के आसपास है दूरी, तो दो कम से कम 1 किलोमीटर घूमते हैं शाम के टाइम में। अच्छा लगता है घूमने में भी। और अभी फील्ड पे बहुत ज़्यादा मतलब हरियाली तो ऐसे है ही, क्योंकि छोटा छोटा घास है, लेकिन बारिश हुई थी तो और ज़्यादा हरा भरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था आज फील्ड पे रियल में। और 2-3 बार घूमने के बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर रेस्ट कर रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप भी बैठ जाइए थोड़ा देर, फिर होगा तो हम लोग यहाँ से थोड़ा घूमेंगे, नहीं तो फिर रूम की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड इधर उधर का वीडियो ले रहे थे और फील्ड का नज़ारा दिखा रहे थे। हम लोग फील्ड जिधर से आए थे उधर से जस्ट उल्टा साइड में थे, और फील्ड पर घूमने के बाद हम लोग घर नहीं गए थे, बल्कि पानी पूरी खाने मैं आ गई थी। मेरी मतलब 10 दिन हो गया था आसपास पानी पूरी खाए हुए, तो इसलिए मैं आ गई थी पानी पूरी खाने के लिए। और रियल में पानी पूरी कोलकाता का तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पानी पूरी वाले भैया जो है मेरे में बहुत बड़ा पानी पूरी डाल दिए थे, रियल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में यहाँ का पानी पूरी। रूम पे आने के बाद मैं डिनर का तैयारी करने लगी थी, क्योंकि रात को मुझे लाइव भी आना होता है 7-7:30 के बीच में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पिंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ओके, बाय।